Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Guidance and counseling English series part 1 में खुश आमदीद. हमारा आज का topic है pronoun और इसकी types. दोस्तों, pronoun को समझने से पहले noun को समझना ज़रूरी है. Noun और इसकी types पर हमारी videos हमारे channel पे मौजूद हैं और इसका link हम इस video की description में भी डाल रहे हैं. So आइए हमारा आज का topic शुरू करते हैं. So दोस्तों, जब भी आप एलिमेंट्री या हाई स्कूल स्टूडेंट से पूछें व्हाट इज अ प्रोनाउन, तो जवाब होता है ही, शी, इट, आई, वी, दे एंड यू. तो बताइए, क्या ये जवाब प्रोनाउन की मुकम्मल वजाहत करता है? बिल्कुल नहीं. आइए हम आपको प्रोनाउन की सही डेफिनेशन बताते हैं. A pronoun is used to replace a noun. The following are all pronouns like he, she, mine, they, what, none, etc. Which there are many more, of course. जो भी लफ्ज जो noun की जगह लेता है उसको हम pronoun कहते हैं. और बहुत से pronouns मौजूद हैं. Students जिन pronouns के बारे में अमूमन बात करते हैं like he, she, it, I, we, they, you, वो pronoun के सिर्फ एक टाइप हैं, जबकि हमारे पास प्रोनाउन की बहुत सी टाइप्स हैं और आज हम उन सब को देखेंगे. और ये तो आपने देखा कि प्रोनाउन यूजुअली शॉर्ट वर्ड्स होते हैं जो कि सेंटेंस को कंबर्सम करने के लिए यूज़ होते हैं और रेपिटेशन से बचाते हैं. सो आइए अब हम प्रोनाउन की टाइप्स पर मूव करते हैं. सो दोस्तों, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन्स? प्रोनाउन की टोटल 12 टाइप्स होती हैं, जिनमें से आज हम सिर्फ 6 पर बात करेंगे और बाकी 6 पर हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. चलिए आइए हम देखते हैं कि ये 12 टाइप्स कौन कौन सी हैं. पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, देन वी हैव रिलेटिव प्रोनाउन एंड देन डिस्ट्रीब्यूटिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, reciprocal pronoun, emphatic pronoun, indefinite pronoun, exclamatory pronoun and quantifiers. So ये हैं pronoun की 12 types जिनमें हम आज 6 पर बात करेंगे. आइए हम next देखते हैं. First of all we have personal pronoun. Personal pronoun is used for the common or proper noun. याद रखिए, आपको noun भी जहन में रखना है और pronoun की definition भी, कि जो noun की जगह पर इस्तेमाल होता है. तो personal pronoun में हमारे पास इसके 3 persons होते हैं, like first person, second person and third person. First person के nominate में हम use करते हैं I को as a singular और वी को एज अ प्लूरल. और इसके ऑब्जेक्टिव केस में हम यूज़ करते हैं आई के लिए मी एंड वी के लिए अस. इसी तरह सेकंड पर्सन हम यूज़ करते हैं नॉमिनेट में हम लेते हैं यू और ऑब्जेक्टिव में केस में हम लेते हैं यू. ये दो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केसेस में ये यू ही यूज़ होता है. फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात कर रहा होता है और सेकंड पर्सन वो होता है जो बात सुन रहा होता है. थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात हो रही हो या जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद ना हो. थर्ड पर्सन के नॉमिनेट में ही, शी और इट, इसके थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं, जबकि दे थर्ड पर्सन प्लूरल होता है. और इसके ऑब्जेक्टिव केस में हम ही के लिए हिम यूज़ करते हैं, शी के लिए हर यूज़ करते हैं, इट के लिए इट ही यूज़ करते हैं और दे के लिए हम देम यूज़ करते हैं. एंड अवर नेक्स्ट कैटेगरी इज़ पजेसिव प्रोनाउंस. ओ ओ ओ, ये क्या है हमारे पास लिस्ट में? हर, हिज, इट्स, माय, आर, योर, देयर. हे स्टूडेंट्स, अगर आप भी इन सबको पजेसिव प्रोनाउन समझते हैं तो आज से ऐसा समझना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये पजेसिव प्रोनाउन्स नहीं हैं, ये पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं. जी हाँ, एडजेक्टिव्स, जिनके बारे में हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. तो पजेसिव प्रोनाउन्स क्या होते हैं, आइए हम इसके बारे में देखते हैं. पजेसिव प्रोनाउन्स आर इनफैक्ट हिज, देयर्स, योर्स, hers, its,
mine, ours. ये हैं possessive pronouns. Guys, our next category is interrogative pronoun. Interrogative pronoun वो होते हैं जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और सवाल भी वो जिसका जवाब किसी noun में होता है, जैसे कि what, जैसे कि who, whom, where, whose एंड विच. इसके एग्जाम्पल में हम कहेंगे वट इज़ योर नेम, तो इस सवाल के जवाब में आप अपना नाम बताएंगे, या फिर वेयर आर यू गोइंग, तो आप किसी जगह का नाम बताएंगे. तो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हों और जो कि किसी नाउन को रेफर करते हों. अवर नेक्स्ट कैटेगरी इज डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो डेमोंस्ट्रेट करते हैं किसी भी ऑलरेडी मेंशन्ड नाउन को. सेंटेंस में कोई भी नाउन हो, उसको जब डेमोंस्ट्रेट करते हैं, उन वर्ड्स को हम डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं. जैसे कि दिस, इसके लिए हम कहेंगे दिस इज़ माय पेन, तो दिस जो है वो पेन को डेमोंस्ट्रेट कर रहा है. या फिर दिस, दैट, सच, समवन एंड नन. अवर नेक्स्ट कैटेगरी इज relative pronoun. Relative pronoun are words which relate to the mentioned noun and are used as a pronoun along with a conjunction. These words are called relative pronoun. जैसे कि which, whom and who. इसमें ये बात याद रखिए कि which चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है और whom या who persons के लिए इस्तेमाल होता है. जैसे कि the man who is sitting there is my brother. तो इसमें who मैन और ब्रदर को रिलेट कर रहा है. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज एंटीसिडेंट. एंटीसिडेंट द नाउन और प्रोनाउन टू विच द रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स इज कॉल्ड इट्स एंटीसिडेंट. उस नाउन या प्रोनाउन को उस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसिडेंट कहते हैं जिसको ये रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट कर रहा होता है. अवर नेक्स्ट कैटेगरी वी हैव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हमारे पास लिस्ट है ईच, नीदर, ईदर, नो वन, एनी, नन. सो गाइस, ये हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और ये एक वक्त में सिंगल वर्ब भी डिमांड करते हैं, क्योंकि ये एक वक्त में किसी एक ही नाउन की बात कर रहे होते हैं. जैसे ईच ऑफ द बॉयज गेट स्कॉलरशिप, हर लड़के को स्कॉलरशिप मिला है. सो This was today's video. आज हमने pronoun और उसकी types पर बात की, और हमने pronoun की 12 type में से सिर्फ 6 पर बात की, और बाकी की 6 types पर हम हमारी next video में बात करेंगे. उम्मीद है आपको video पसंद आई होगी. इसको like और share करना बिल्कुल मत भूलिएगा. अगली video तक के लिए अल्लाह.